नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ध्वनि से संबंधित जो टॉपिक है उसमें है प्रतिध्वनि या इको साउंड। दोस्तों, प्रतिध्वनि या इको साउंड क्या है, जनरल बात कर लेते हैं। आप कोई भी चीज़ बोलते हैं या आपने कोई भी आवाज़ निकाली, वो किसी सरफेस से, सामने कोई अवरोध है उससे टकराकर वापस आए, तो जो वापस टकराकर आ रही है ध्वनि उसको इको कहते हैं। एक तो आपको ये है, जैसे पहाड़ों में अगर आप जाके नाम भी लेंगे अपना, तो उनसे टकरा के आवाज़ वापस आपका नाम आपको ही दोबारा थोड़ी देर बाद सुनाई देगा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, इसे इको या ये जो आने वाली ध्वनि है इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। आपने जो बोला वो ध्वनि और टकरा के वापस आ रही है तो उल्टा है ना, और अपोजिट के लिए एंटी, तो प्रतिध्वनि कहेंगे उसको। और उसके लिए एक टर्म है इको। आपने साउंड वगैरह भी अगर देखे हो तो उन पे भी लिखा रहता है इको साउंड, मतलब ऐसे साउंड जो अच्छी प्रतिध्वनि बनाते हैं। इको से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इको बनने के लिए, प्रतिध्वनि होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी ज़रूरी है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। आइए दोस्तों, इको साउंड या प्रतिध्वनि, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन ही क्या कहलाएगा इको साउंड। या परावर्तन के पश्चात कानों तक पहुंचने वाली ध्वनि, आपके कानों तक पहुंचने वाली ध्वनि क्या कहलाएगी, प्रतिध्वनि या इको साउंड। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट बात यह है, कंडीशन फॉर इको साउंड, इको साउंड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या स्थितियां होनी ज़रूरी है। और उसमें पहली जो कंडीशन है, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल, मतलब जो अवरोध ऑब्स्टकल है उसकी साइज, वेवलेंथ ऑफ साउंड, ध्वनि की तरंग धैर्य से ज़्यादा होनी चाहिए। जिस अवरोध से ध्वनि का परावर्तन होना है उसका साइज ध्वनि तरंग की तरंग धैर्य वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। साइज जो है वो लैम्डा से, साइज ऑफ ऑब्स्टकल्स इज ग्रेटर देन लैम्डा। पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, ये बात आपको क्लियर है। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता सफिशियंट अमाउंट में होनी चाहिए, मतलब तीव्रता इतनी तो होनी चाहिए कि अवरोध या ऑब्स्टकल के पास ध्वनि जा सके, जब जा ही नहीं पाएगी तो टकरा के वापस क्या आ पाएगा, ये सिंपल सी बात आप सोचें। तो इंटेंसिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि इको बन सके। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओरिजिनल साउंड जो आप बोल रहे हैं, वह रिफ्लेक्टेड साउंड जो अवरोध से टकरा के वापस आ रही है, उनके बीच का समय अंतराल 0.1 सेकंड या इससे ज़्यादा होना चाहिए, 0.1 सेकंड या इससे ज़्यादा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इको बनने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है सी। पहली मैंने आपको बताया कि साइज ऑफ ऑब्स्टकल्स क्या होना चाहिए, लैम्डा से ज़्यादा, इंटेंसिटी सफिशियंट होनी चाहिए कि टकरा के वापस आ सके। आपने बोला अवरोध से टकरा कर वापस आने में जो समय लगे वो 0.1 सेकंड या इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करते हैं कि हवा में, पानी में और भी माध्यम में इको बनने के लिए स्रोत और अवरोध, स्रोत जो आवाज़ निकाल रहा है, अवरोध जिससे टकरा के वापस आ रहा है, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम एयर या वायु के बारे में ही बात कर लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको इन एयर, वायु में इको सुनने के लिए मिनिमम या न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ जो मैंने बनाया है ये कोई सोर्स है, ये कोई आदमी है, स्रोत है जो आवाज़ उत्पन्न कर रहा है, इससे जो साउंड निकलेगी वो वास्तविक ध्वनि या ओरिजिनल साउंड होगी। इसने जो आवाज़ निकाली, ध्वनि निकाली, वो टकरा के वापस आ रही है, और वापस जो आ रही है वो है रिफ्लेक्टेड साउंड या परावर्तित ध्वनि।
टकरा के वापस ओरिजिनल साउंड रिलीज हुई और उससे टकरा के रिफ्लेक्टेड साउंड वापस कानों तक आएगी, उसमें मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इतना मिनिमम यही है, इससे कम नहीं हो सकता। और वायु में हवा की या हवा में ध्वनि की जो चाल है वो 340 मीटर पर सेकेंड आपको बता रखी है। जनरली बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हवा में किसी बुक में 342 किसी में 341। जनरली अगर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आया रीट पटवार या कोई भी में, तो ये वैल्यू गिवन ही होती है, फिर भी देख लेते हैं। तो आपको क्या निकालना है, दूरी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल आपको दे रखी है, समय आपको बता रखा है, ये देख लीजिए। याद रखें जब अपन ने पहले न्यूमेरिकल सोल्व किए थे तब भी मैंने कहा था कि ये समय टकरा के वापस आने में लगा समय है, तब हम समय को आधा कर देते थे। यहाँ वही बात है, तब दूरी को सिंगल रखते थे। अभी मैंने क्या किया है कि दूरी यहाँ से गई और टकरा के वापस आ रही है, क्योंकि देखो दूरी 2D लेना ज़रूरी है। कारण क्या है, देखो स्रोत और अवरोध के बीच ये जो मैं बनाया है ये अवरोध है, इसके बीच की दूरी d मानी है। इसको d मान लेंगे तो इको तो तब बनेगा ना जब 2D दूरी तय करेगी ध्वनि। तो दूरी को क्या बोला है, 2D। चाल क्या है, 340। अब समय 0.1 ही रहने देते हैं क्योंकि 2D दूरी तब तय करेगा जब टकरा के ये d और वापस आ गया तो 2D, और ये गया और वापस आने में समय कितना लगा, 0.1। और डी क्या है, स्रोत से अवरोध की दूरी, ये देख लीजिए। क्लियर है? तो ये डी 340, ये दो इधर आ गया, सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया, 17 मीटर। ये 10 हो गया, पॉइंट उठ गया 0 और 2 से भाग दिया, 17 आंसर आ गया। हवा में अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है, इको सुनना है, तो सोर्स और ऑब्स्टेकल या स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी कम से कम मिनिमम 17 मीटर होनी आवश्यक है। अभी अपन जल के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी अपन ने बात किया दोस्तों इको क्या है। इको की कंडीशन के लिए अवरोध का साइज लैम्डा से ज़्यादा, इंटेंसिटी सफिशियंट, और ओरिजिनल साउंड वापस आपको सुनाई दे उसको रिफ्लेक्टेड साउंड, दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 सेकेंड या इससे ज़्यादा। और फिर मैंने आपको बताया कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए अगर आपको हवा में या वायु में इको सुननी है, तो वो कैलकुलेट की है हमने 17 मीटर। इसको आप बड़े आराम से देखें। अभी अपन और बात करेंगे कि जल में कैसे होती है और भी माध्यम में कैसे इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या है, लेकिन वायु में हवा में अगर आपको इको सुनना है तो स्रोत और अवरोध के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए। आइए दोस्तों, मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको इन वाटर, पानी में इको सुनने के लिए अवरोध और स्रोत के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, ये यहाँ पर मैंने स्रोत बनाया है। यहाँ से जो आवाज़ निकलेगी वो वास्तविक ध्वनि, और टकरा के वापस आएगी वो रिफ्लेक्टेड या परावर्तित, दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल डी, और ये है अवरोध जिससे ध्वनि टकरा के वापस आएगी। ध्वनि को टकरा कर वापस पहुँचने में न्यूनतम जो समय है वो आपको पता ही है, 0.1 सेकेंड लगता है। हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल, आया और टकरा के वापस गया तो 2D डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। पानी में ध्वनि का वेग 1440 मीटर पर सेकेंड, वही फॉर्मूला जो अभी बात कर रहे थे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी 2D ले रहे हैं ट्रेवलिंग, क्योंकि 0.1 टकरा के वापस आने में लगा समय है, यहाँ से d निकाल लेंगे। तो जल में इको सुनने के लिए स्रोत और अवरोध के बीच की न्यूनतम दूरी 72 मीटर होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन देखते हैं, सोर्स
या स्रोत, हेयर इको साउंड आफ्टर 5 सेकेंड, टी का मान कितना हो गया 5 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल्स, मतलब अवरोध और स्रोत के बीच की दूरी बता रहा है। वायु में वेग आपको पता ही है, वही दूरी डी निकालना है। चाल 340, समय 5। 2D क्या है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, टोटल जो तय की गई दूरी, लेकिन हमें केवल स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी निकालनी है, तो बटे 2 कर देंगे और आंसर कितना आ गया 850 मीटर। ऐसे सवाल आएंगे। सोनार सिस्टम, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड अपन ने पढ़ा था, वहाँ पर भी अपन ने बहुत क्लियरली बात की थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा। हाँ, वायु में सीधा पूछ सकता है 17 मीटर, पानी में सीधा पूछ सकता है 72 मीटर। इसको फिर से अपन एक बार बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इको सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड रेंजिंग किसके अंदर, बैट या चमगादड़ के अंदर। आपको मैंने पहले भी अल्ट्रासोनिक जो वेव पड़ी थी उसमें बता दिया था, अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा कीट या जो भी शिकार है उनका लोकेशन पता करती है, इसलिए इस प्रोसेस को इको लोकेशन भी कहा जाता है। बैट रात में ही निकलती है, इसलिए नॉक्टुरल या रात्रिचर प्राणी है, और यूज किसका होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि चमगादड़ शिकार के लिए या कीटों को उनकी स्थिति का पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल करती है, क्यों? नॉर्मल साउंड भी तो हो सकती है, क्या अपन बोल के और वापस सुन के पता लगा सकते हैं? नहीं। पहली बात तो उनके अंदर ऐसा सिस्टम है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी हाई एनर्जी। अल्ट्रासोनिक वेव की जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा होगी। अधिक एनर्जी के कारण नॉट डिफ्लेक्ट इन मीडियम। डिफ्लेक्ट जो वर्ड है उसका मतलब है झुकाव। अगर चमगादड़ इंफ्रासोनिक या जो नॉर्मल साउंड का इस्तेमाल करती तो ये साउंड की तरंगे जैसे जैसे ट्रेवल करती है थोड़ी झुक जाती है, और अगर थोड़ी झुक जाएगी तो एग्जैक्ट डिस्टेंस का आइडिया नहीं लग पाएगा। जैसे यहाँ पर बेट है और यहाँ पर अवरोध है, और अगर डिफ्लेक्शन हुआ तो तरंग ऐसे झुक जाती है, लेकिन अगर एनर्जी हाई हुई तो फिर वो झुकेगी नहीं, सीधी की सीधी जाएगी और एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग पाएगा। बात समझें, अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, इस वजह से एनर्जी ज़्यादा, ज़्यादा एनर्जी की तरंग क्या करेगी, उसमें झुकाव क्या होगा, नहीं होगा तो सीधी जाएगी, सीधी आएगी तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगेगी, और लोकेशन का पता इको द्वारा लग रहा है, इसलिए इको लोकेशन, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों किसके बारे में, इको से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके एप्लीकेशन। सोनार में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल इसलिए करती है कि वेरी हाई एनर्जी होती है अल्ट्रासोनिक में, जिससे डिफ्लेक्शन झुकाव नहीं होता है। इसी इको या प्रतिध्वनि से संबंधित एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दो पहाड़ियों के बीच, बिल्कुल बीच में खड़ा है, उसके पास एक बंदूक है, उससे वो फायरिंग करता है। एक पहाड़ी को मैंने ए और दूसरी को बी बोला है, उसे दो प्रतिध्वनियां सुनाई देती है, एक इस पहाड़ी से टकरा के और एक इस पहाड़ी से टकरा के, है ना। आवाज़ बंदूक की फायरिंग यहाँ करता है, लेकिन टकरा के दोनों आएगी। प्रतिध्वनियाँ मतलब इस पहाड़ी से, यहाँ से उसने फायरिंग की, आवाज़ यहाँ आई और टकरा के और वापस गई, इसमें टाइम लगा 2 सेकंड, और इधर वाली पहाड़ी से आवाज़ टकरा के वापस आने में टाइम लगा 3 सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है, यहाँ से देख लीजिए, टाइम दे दिया 2 सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 340, इस D1 मान लिया, इसको 2D1, 2D1 क्यों बोला, बहुत बार समझा चुका हूँ, ध्वनि टकरा के वापस जाएगी तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ध्वनि ने वो 2D1, D1 निकालना है तो कैलकुलेट किया 340 मीटर। ऐसे ही इधर
इसको D2 बोल दिया, यहाँ 3 सेकंड में आई तो D2 510, D1 340, D2 510 दोनों को टोटल किया, दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी 850 मीटर है। इको से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं, जितनी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है अगर आपने उनको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया तो फिर गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, आप थोड़ा सा पढ़ के और फिर देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन। पहले मैंने जितने भी वीडियो आपको बताए हैं उनको बार बार पढ़ें, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पर हैं फिर आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा बार रिपीट आपको करना है इन्हीं वीडियो इनसे रिलेटेड जो कंटेंट है उनको ही, बाकी हर बार मैं आपको कहता आ रहा हूँ क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल सेलेक्टेड मटेरियल आपके पास है, बस आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक और प्रभाव है डॉपलर प्रभाव। पहले मैं आपको ये क्लियर बता दूं, इको वाले वीडियो में ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इको से संबंधित है। क्लियर है बात? डॉपलर प्रभाव को मैं यही बता देता हूँ ताकि फिर उसके बाद अपन सौर और उससे रिलेटेड बात कर सकें। डॉपलर प्रभाव क्या है, याद रखें इको से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्या है डॉपलर प्रभाव? यदि ध्वनि तरंगे की स्रोत और श्रोता के सापेक्ष गति हो तो श्रोता द्वारा प्राप्त तरंग की आवृत्ति स्रोत द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति से अधिक होती है। ये कोई सोर्स है और ये इसको यूं कह सकते हैं श्रोता है, सुनने वाला है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति करते हैं तो स्रोत से जो आवृत्ति निकलती है श्रोता को उससे ज़्यादा आवृत्ति की, कोई भी दोनों गति करे एक गति करे, लेकिन जो आवृत्ति अराइव और ये ओरिजिनल, तो ओरिजिनल आवृत्ति से जो अराइव जो वहाँ श्रोता तक पहुँचेगी वो आवृत्ति ज़्यादा होगी। इसका फॉर्मूला देखो, एफ ए अराइव ओरिजिनल, यहाँ मैंने देखो वी कोई साइन नहीं लगाया, प्लस माइनस वी नॉट या वी ओ वी वी एस कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया। पहले तो बता देते हैं, ये तो श्रोता को जो आवृत्ति सुनाई देगी वो, ये जो सोर्स या स्रोत से निकली है आवृत्ति वो, आप चाहें तो इसको, लेकिन ओ ये देखो ये ऑब्जर्वर और ये क्या है सोर्स, ऐसे लिख सकते हैं। V जो है वो ध्वनि की चाल, V साउंड जिसको 340, VO जो है वो ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट जो सुन रहा है उसकी चाल, और VS सोर्स की चाल। फॉर्मूले में क्या क्या पुट करना है, ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट को जो सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी, F का मतलब सोर्स की या स्रोत से कितनी फ्रीक्वेंसी की तरंग आ रही है, V और V जो है वो साउंड की स्पीड है वायु में, ऑब्जेक्ट किस गति से ट्रेवल कर रहा है और सोर्स किस गति से किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो है। यहाँ प्लस माइनस का साइन कैसे लगाएंगे, सिंपल बात है, ये एस सोर्स और ये ऑब्जेक्ट। अगर स्रोत ऑब्जेक्ट की तरफ गति कर रहा है तो चिन्ह माइनस, यहां पर अगर स्रोत ऑब्जेक्ट से दूर गति कर रहा है तो प्लस, अगर ऑब्जेक्ट स्रोत की तरफ गति कर रहा है तो यहां पर प्लस, और ऑब्जेक्ट स्रोत से दूर गति कर रहा है तो माइनस। एग्जाम में क्वेश्चन आया स्रोत गति कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से और ऑब्जेक्ट गति कर रहा है स्रोत की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, जो भी आपको आवृत्ति पहले एफ नोट थी अब बताइए आवृत्ति। देखो वायु में ध्वनि की चाल 340, यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर गति कर रहा है ये देखो, तो प्लस के 20। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो स्रोत किधर गति कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो माइनस। इसको सॉल्व कर लेंगे, डॉपलर प्रभाव में एक तो आपको थ्योरी याद रखनी है कि जो आवृत्ति सुनाई दे रही है वो स्रोत वाली आवृत्ति से ज़्यादा है, पहली बात। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है,
ऑब्जर्वर के पास जो आवृत्ति आ रही है वो सोर्स या स्रोत की जो आवृत्ति है उससे ज़्यादा। ये साइन कैसे लगाने मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बताया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में आपको बता देगा किधर गति कर रहा है, स्रोत ऑब्जर्वर की तरफ गति कर रहा है, ऑब्जर्वर स्रोत की तरफ गति कर रहा है, ऑब्जर्वर फिक्स है, स्रोत गति कर रहा है। आपको ये याद रखना है एस सोर्स अगर इधर गति करे, इधर का मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इस वाले यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, माइनस। अगर स्रोत इधर गति करें तो यहाँ चिन्ह क्या आएगा, प्लस। अगर ऑब्जेक्ट स्रोत से दूर गति करे तो चिन्ह क्या आएगा, यहाँ पर माइनस। और ऑब्जेक्ट स्रोत की तरफ गति करे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप कंडीशन देखें क्वेश्चन में वैसे ही अप्लाई करें। डॉपलर प्रभाव लोगों को लगता है कि बड़ा टफ है, मैंने आपको केवल इतनी थ्योरी और ये क्वेश्चन आप अब किसी बुक के सॉल्व करें, केवल इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इको से संबंधित जितनी भी बातें थी दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कर दी, साथ में डॉपलर प्रभाव भी मैंने आपको समझा दिया है क्लियरिटी के साथ। मैंने जो बातें बोली है उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप बड़े ध्यान से समझे, आराम से डॉपलर प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, धन्यवाद।